तो बच्चों, हम लोग जो आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो ये आपकी बच्चों एक्स एक्सिस है और ये बच्चों आपकी वाई एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपकी एक्स और वाई एक्सिस आपको क्लियर होनी चाहिए पूरी तरीके से। तो सभी बच्चों को अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रही होगी। और मैंने आपके सामने एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को कहते हैं कि y is equal to fx, इसका नाम है y is equal to fx। और बच्चे यहाँ पे आप लिख सकते हैं y is equal to fx is increasing function, is increasing function। आप कह सकते हैं y is equal to fx एक increasing function है, और अगर increasing function होगा तो उसका जो derivative होगा यानी कि dy by dx जो होता है जिसको हम लोग f dash x कहते हैं, तो आपको उसका जो डेरिवेटिव होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव दिखाना होता है, ठीक है ना। और यदि बच्चों आपका यदि कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, आपने कभी डिक्रीजिंग फंक्शन भी देखा होगा, इंक्रीजिंग देखा होगा तो डिक्रीजिंग भी देखा होगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन मैं आपकी स्क्रीन पे बना रहा हूँ, ये आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक होता है इंक्रीजिंग और एक होता है डिक्रीजिंग। जैसे ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो बच्चों y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है तो जो डी वाई बाय डी एक्स होता है यानी कि जो एफ डैश एक्स होता है वो लेस देन जीरो होता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। और इस एप्लीकेशंस पे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे जो मैं पहला क्वेश्चन लगा रहा हूँ वो आपको समझना पड़ेगा, और वो काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 0 से π/4। ध्यान दीजिए, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to π/4। ठीक, तो ये आपको दिया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहता है उसका सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो टैन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो किस तरह से निकलेगा, टैन इनवर्स यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टैन इनवर्स यू का होता है मतलब टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। आप बगल में भले लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है, टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो tan inverse u का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 + u²। Into d by dx of sin x plus cos x, ये आ गया। यानी आपका जो डेरिवेटिव है f dash x वो क्या आया है, अब आपको क्लियर कट विजिबल होने चाहिए स्क्रीन पूरी। यहां तक आपको स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल होगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, सभी बच्चे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें और मेरे को बताएं क्या निकल करके आ रहा है। सबसे पहले न्यूमरेटर को आप देखिए, न्यूमरेटर में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है साइन एक्स, तो आ रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 + sin x + cos x का होल स्क्वायर, ये हो गया। यानी जो बच्चों आपका f डैश x आया है वो आया है इसमें से cos x कॉमन ले लीजिए, cos x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा 1 - tan x, क्या आ जाएगा 1 - tan x। बोलिए क्लियर है आपको, cos x टाइम्स 1 - tan x होल डिवाइडेड बाय 1 +
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो भाई यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अगर आप न्यूमिरेटर को सिंप्लीफाई ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। मतलब न्यूमिरेटर को अगर आपको लग रहा है कि मैंने इस तरह से लिखा है तो जरूरी नहीं आप इसको इस तरह से लिखें, आप इसको cos x माइनस साइन एक्स ही लिखे रहने दीजिए तो भी क्वेश्चन हो सकता है। इसको आप cos x माइनस साइन एक्स ही लिखे रहने दीजिए। और बच्चों मैंने आपको सिखाया है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान देंगे कि जो आपका f डैश x है यानी cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये है। तो आपने एफ डैश एक्स को क्या कर दिया, जीरो से बड़ा कर दिया। जैसे ही आप एफ डैश एक्स को जीरो से बड़ा करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन दिखने लगेगी आपको क्लियर कट। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों ये ग्राफ आप सभी लोग जानते हैं, तो इस ग्राफ को आप खुद भी बना सकते हैं कि cos x और sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई के इंटरवल में आप खुद बनाइए। इधर ध्यान दीजिए, ये cos x का ग्राफ होता है, सभी बच्चे जानते हैं इस ग्राफ को cos x का ग्राफ कहते हैं। और बच्चों अगर आप sin x का ग्राफ देखेंगे तो sin x का ग्राफ इस तरह से होता है, ये sin x का ग्राफ होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि cos x और sin x किस इंटरवल में cos x sin x से बड़ा है, क्योंकि ये जो आपने लिखा है f डैश x ग्रेटर देन जीरो, उसमें आप ध्यान दीजिए कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर में तो रेस्ट्रिक्शन बनेगी नहीं। जो रेस्ट्रिक्शन बनेगी वो न्यूमिनेटर के हिसाब से बनेगी, क्योंकि जब डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है या इनइक्वालिटी में जब कोई क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं उसको, वो इनइक्वालिटी में हो या ना हो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपकी इनइक्वालिटी बन गई cos x माइनस sin x। अगर आपको कोई पॉजिटिव नंबर समझना हो जैसे 2, 3, 4, 5, 6 तो ये मान लीजिए डिनोमिनेटर भी आपका एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो भी ये 2 प्लस कुछ नंबर आएगा, मतलब आएगा 2 प्लस 2 sin x cos x, यही तो आएगा। तो यानी कि ये 2 प्लस यानी 2 से बड़ा ही है, मतलब अगर sin x cos x इतनी वैल्यू 0 ही ले लें तो भी ये वैल्यू 2 आएगी, यानी 0 से बड़ी यानी ऑलवेज पॉजिटिव है। और बच्चों ये ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए जो मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाया है कि 0 से पाई बाय 4 के बीच में, देखिए cos x का ग्राफ ऊपर है, देखिए cos x का ग्राफ ऊपर है ना, और sin x का ग्राफ नीचे। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि cos x हमेशा sin x से बड़ा होता है, लेकिन किस इंटरवल में, किस इंटरवल में, जब x बिलोंग करता है 0 से पाई बाय 4। तो बच्चों जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं यानी cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन 0, तो ये सिर्फ किस इंटरवल में पॉसिबल है, जब x बिलोंग करेगा 0 से पाई बाय 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और वो किस इंटरवल में, 0 से पाई बाय 4 के बीच में। तो आपको ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तो ये सॉल्यूशन आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि मैंने सॉल्यूशन किस तरह से किया है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है कि ये इंटरवल नहीं दिया रहता है, अभी तो मैंने आपको इंटरवल दे दिया था प्रूफ करने के लिए 0 से पाई बाय 4, एग्जाम में ये इंटरवल गायब कर देंगे, वो चार तरह के इंटरवल देंगे, एक होगा 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 6, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव कर देते। तो आपको ये मैंने कंडीशन स्टार्टिंग में ही लिखवा दी है, तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन लगातार बढ़ रहा है यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिखा है प्रूव दैट एफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा होल डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर थीटा बिलोंग टू 0 से पाई बाई 2। ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है,
तो अब इसका आंसर करते हैं, एफ थीटा इज इक्वल टू, इसको हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे आएगा, क्योंकि हमको दिखाना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, जीरो से पाई बाई टू में आंसर पहले ही से पता है। तो बच्चों इसको आप डिफरेंशिएट करिए आप अपने हिसाब से अगर आप कर पाते हैं। तो बच्चों जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा एफ डैश थीटा इज इक्वल टू, पहले जो है आपका क्वेश्चन रूल लगेगा और फिर थीटा का वन हो जाएगा। तो क्वेश्चन रूल लगाइए बच्चों, कैसे लगाते हैं, नीचे वाला फंक्शन इनटू डी बाय डी एक्स यानी डी बाय डी थीटा ऑफ ऊपर वाला फंक्शन। तो सभी बच्चों को ये डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, माइनस ऊपर वाला फंक्शन इनटू डी बाय डी थीटा ऑफ नीचे वाला फंक्शन होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो एफ डैश थीटा इज इक्वल टू क्या आया, यह आया 2 प्लस कॉस थीटा 4 साइन थीटा, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, माइनस 4 साइन थीटा, ब्रैकेट में आया 2 प्लस कॉस थीटा का हुआ माइनस साइन थीटा, होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एफ डैश थीटा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करिए और यहां पे माइनस वन था उसको आप लिख लीजिएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, पूरा ओपन वगैरह करके सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम वगैरह लेके जैसे आप करते हैं। तो जब बच्चों आप इसको एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा। आप अपनी कॉपी में सिंप्लीफाई करके चेक करिए, यही आंसर आएगा, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा। और बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश थीटा आपको ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा। जैसे ही बच्चों आप इसको ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो आएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो यहां तक सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि हमने एफ डैश थीटा को ग्रेटर देन जीरो कर दिया फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे हम डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको आप लिखिए चाहे न लिखिए, न्यूमिनेटर को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यह आएगा कॉस थीटा टाइम्स 4 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है और न्यूमिनेटर में जो एक टर्म है यानी कि 4 माइनस कॉस थीटा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखिए 4 माइनस कॉस थीटा वो भी ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि अगर बच्चों अगर हम ध्यान पे देखें कि 4 माइनस कॉस थीटा में अगर हम कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट करें जो माइनस वन होती है तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, और अगर हम cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 पुट करें तो ये वैल्यू आ रही है 4 माइनस 1 दैट इज 3 आ रही है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि 4 माइनस cos थीटा का जो फैक्टर है वो क्या है, वो ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो भाई समझ में आया यहां तक, तो उसका मतलब बच्चों क्या आएगा, जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे सिर्फ जो इनइक्वालिटी बनी है वो कॉस थीटा पे बनी है, और सभी बच्चे जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है वो जीरो से पाई बाई टू के बीच में क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये कॉस थीटा का मैंने ग्राफ बनाया है जीरो से पाई बाई टू, तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज अपनी कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसका मतलब आपका ये पार्ट प्रूफ हो गया कि थीटा इज बिलोंग टू जीरो से पाई बाई टू, क्योंकि जीरो से पाई बाई टू में ही cos थीटा पॉजिटिव होगा। तो आपको इंटरवल निकालना था कि फंक्शन कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आप आंसर बताएंगे when theta is lying between 0 to pi by 2। तो सबको ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए।
उस तरह के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, क्वेश्चंस क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेपरेट द इंटरवल, क्वेश्चन है सेपरेट द इंटरवल 0 से पाई बाई 2 इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बच्चों आपको 0 से पाई बाई 2 के बीच का इंटरवल ब्रेक करना है और उसमें बताना है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, ठीक है? तो आप इसका आंसर करिए। फंक्शन क्या होगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसको बताना है कब ये इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग। तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में डिफरेंशिएट करें पहले। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा t की पावर 4 का होगा 4t³ और sin x का हो जाएगा cos x, फिर हो जाएगा t की पावर 4 का 4t³ और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। तो ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप इसको आगे करिए, यानी आपका आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 4 sin x cos x, ठीक है? ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और सभी बच्चे अगर यहां पे ध्यान देंगे कि अंदर ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 4 साइन एक्स कॉस एक्स और ब्रैकेट में बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और सभी बच्चे जानते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस 2x लिखते हैं। अब बच्चों जो 4 है ना, 4 को लिख दो 2 इंटू 2 यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स और ये बच्चों cos 2x। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया माइनस 2 साइन 2x cos 2x। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया किसका, माइनस साइन 4x का। जैसे साइन 2x होता है 2 साइन x cos x, तो साइन 4x होगा 2 साइन 2x cos 2x। तो बच्चों आपके पास f डैश x आ चुका है, इसी पे आपको रिस्ट्रिक्शन बैठानी है, यहीं से आपका काम। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। दैट मींस बच्चों माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0 होता है। इसमें बच्चों माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा साइन 4x लेस देन 0, क्योंकि इन इक्वेशंस में माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। तो बच्चों अगर आपको एफ डैश एक्स निकालना है कब इंक्रीजिंग है तो आपको देखना पड़ेगा कि साइन 4x कब कब अपनी नेगेटिव वैल्यू यानी लेस देन 0 होगा। ये बच्चों आपको काम करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि साइन 4x मतलब कब अपनी नेगेटिव वैल्यू लेगा, तो उसके लिए पहले आप 4x की जगह अपने मन में थीटा मान लीजिए, 4x की जगह अपने मन में थीटा मान लीजिए। तो साइन थीटा नेगेटिव कब होता है पहले तो आप ये बताइए, साइन थीटा नेगेटिव कब होता है? तो आप अपने ग्राफ को बनाइए और उससे समझिए, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई से 2 पाई के बीच में क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि अगर साइन थीटा लेस देन 0 तो आप क्या लिखेंगे कि जो थीटा है यहाँ पे थीटा की जगह 4x है वो किसके बीच में लाई करेगा, पाई से 2 पाई के बीच में। लेकिन ये तो बच्चों 4x है, हमें तो x का इंटरवल चाहिए, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, हम पूरी इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो बच्चों देखिए आपने एक इंटरवल निकाला है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। और ये जो इंटरवल होता है बच्चों ये किसके बीच में लाई करता है, जो आपको गिवन है 0 से पाई बाय 2, क्योंकि आपको 0 से पाई बाय 2 का ही इंटरवल आपको स्प्लिट करना है।
तो उसमें आपने एक इंटरवल स्प्लिट करके निकाला है कि पाई बाय फोर से पाई बाय टू के बीच में फंक्शन क्या है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो ये सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए. और बच्चों अब आप दूसरा काम करेंगे, और दूसरा काम अगर आप ना करना चाहें तो भी आपका आंसर निकल आएगा. आप सीधा सीधा करिए कि जीरो से पाई बाय टू का इंटरवल स्प्लिट करना है, तो पाई बाय फोर से पाई बाय टू को तो आप जान ही चुके, तो बचा कौन सा इंटरवल? बचा इंटरवल आपका जीरो से पाई बाय फोर, क्योंकि आप ऐसे ही तो बढ़ेंगे, जीरो से पाई बाय फोर, पाई बाय फोर से पाई बाय टू, ऐसे ही तो आप जीरो से पाई बाय टू को ब्रेक करेंगे. तो यानी कि जो जीरो से पाई बाय फोर का इंटरवल है वो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि उसमें फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. लेकिन अगर आप इसको करना चाहें तो करने का बहुत ही आसान तरीका होता है. पहले आप लिखिए जो आपका फंक्शन है उसको आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आप अपने फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या करेंगे, लेस देन जीरो करेंगे. और एफ डैश एक्स क्या है आपका, माइनस साइन फोर एक्स लेस देन जीरो, जिसको आप और क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है. आप इसको लिख सकते हैं साइन फोर एक्स ग्रेटर देन जीरो. और बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कि साइन थीटा पॉजिटिव कब होता है, तो आप कहेंगे जब थीटा लाई करता है जीरो से पाई के बीच में. देख लीजिए जीरो से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, तो दैट मीन्स अब आपका थीटा की जगह क्या है, फोर है. तो आप अपने फोर को एक फोर एक्स में फोर से डिवाइड करके आप अपना इंटरवल चेक करिए, आपका वही इंटरवल आया है जो मैंने आपको बताया है. इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. क्या होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है बच्चों. तो ये बात आपको पूरी क्लियर कट समझ में आनी चाहिए. आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है. तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. ये क्वेश्चन सभी बच्चों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बहुत ही जल्दी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है. क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फोर साइन एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय टू प्लस कॉस एक्स. आपको बताना है ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, ठीक है. तो आपका पार्ट है पहला, आपको बताना है ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, और सेकेंड पार्ट आपको बताना है कब डिक्रीजिंग होगा. और इंटरवल में आपको दे देता हूं कि जो आपका एक्स है वो लाई कर रहा है जीरो से टू पाई के बीच में. तो आपको जीरो से टू पाई के इंटरवल में बताना है कि ये फंक्शन कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा. ओके बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट कर रहे हैं. सभी लोग अब ध्यान दें. तो आपने अगर इसको डिफरेंशिएट किया होगा बहुत प्रॉपर तरीके से तभी आप इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे. तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने का वही तरीका है जो मैंने आपको बताया है. क्वेश्चन रूल लगा के आप इसको डिफरेंशिएट करिए. तो ये होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नीचे वाला इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला. तो फोर साइन एक्स का हो जाएगा फोर कॉस एक्स, टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू, और माइनस एक्स कॉस एक्स का आप करेंगे तो ये होगा. पहले एक काम करिए, x का कर दीजिए तो 1 हो जाएगा तो cos x आ गया. फिर cos x का करेंगे तो बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा. ये हो गया. फिर यहां तक आपको सबको समझ में हो गया होगा, माइनस
नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, ठीक है? बोलो समझ में आया यहां तक? अब बच्चों आप एक काम करो, उसको सिंप्लीफाई करो। जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स लिखा है, तो ये 2 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो एक स्टेप में आपके लिए और भी लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा खुद से ही, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स 4 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। 4 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कितना हुआ? 3 कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस 2 माइनस 4 कॉस एक्स माइनस 2 माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉस एक्स, 2 का हो गया 0, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है? इसको डिवाइड करिए। जब इस पूरी क्वांटिटी को आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल के आ रहा है? निकल के आ रहा है 2 प्लस कॉस एक्स का। बोलिए बच्चों यहां तक क्लियर है? तो आप एक काम करिए, जो माइनस साइन एक्स है इसका माइनस जो है वो यहां पर एडजस्ट कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आप साइन एक्स का आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका एफ डैश एक्स आ रहा है कॉस एक्स टाइम्स 4 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये निकल गया। आप चेक कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है बच्चों? तो बच्चों पहला पार्ट तो हो ही गया, पहले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी अभी देखा है थोड़ी देर पहले कि अगर एफ डैश एक्स को इंक्रीजिंग दिखाना है, मतलब फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एफ डैश एक्स को पॉजिटिव करेंगे। तो दैट मीन्स ये आ जाएगा कॉस एक्स टाइम्स 4 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और अगर बच्चों यहां पे ध्यान देखेंगे तो डिनोमिनेटर एक परफेक्ट स्क्वायर, अगर डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर है और न्यूमिनेटर में 4 माइनस कॉस एक्स है, तो 4 माइनस कॉस एक्स भी क्या होता है? 4 माइनस कॉस एक्स भी ऑलवेज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आया? आपके पास आया कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। और कॉस एक्स पॉजिटिव कब होता है? सभी बच्चे जानते हैं कि कॉस एक्स पॉजिटिव कब होता है वो आपको बताना पड़ेगा। किस इंटरवल में बताना है? 0 से 2 पाई में। तो आप 0 से 2 पाई में cos x का ग्राफ बना लीजिए और उसमें हमको बताइए वो कब पॉजिटिव होता है। तो ग्राफ आप बना के चेक कर लीजिए, ये ग्राफ होता है cos x का, ठीक है? तो यहाँ होता है 0, यहाँ होता है पाई बाई 2, यहाँ होता है पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे 2 पाई। ये बच्चों आपको क्लियर होगा। तो ठीक है बच्चों, cos x के इंटरवल में पॉजिटिव है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इंटरवल है आपका 0 से 2 पाई के बीच में, आपको चेक करना है। तो आपने वही लिखा है, इंटरवल है आपका 0 से पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा कि किस इंटरवल में आपको देखना है, 0 से पाई बाई 2 में नहीं देखना है, 0 से 2 पाई के बीच में देखना है। तो आप देखिए 0 से पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में ये क्या है? पॉजिटिव है। तो आपका एक आंसर तो निकल आया, ठीक है, कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, ये आपका एक आंसर निकल आया। तो इस आंसर को आप लिख लीजिए आंसर। और बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए वो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, कौन सा इंटरवल बचा? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और जो दूसरा इंटरवल है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 उसमें फंक्शन क्या है आपका? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा।
तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए पूरी तरीके से। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is strictly increasing or decreasing। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएंगे उसमें x का कोई इंटरवल नहीं दिया रहता है, तो ऐसे केसेस में क्या करना होगा, आपको ऐसे x निकालने होंगे जो फंक्शन की डोमेन को सेटिस्फाई करे। जैसे इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी सबसे पहले हमको बताइए। जैसे आप कहेंगे कि सर इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता वरना फंक्शन इनडिफाइंड हो जाएगा, और सर जो लॉग होता है ना वो लॉग सर तभी डिफाइंड होता है जब उसका ए जीरो से बड़ा हो बी जीरो से बड़ा हो और बी कभी वन ना हो, तभी लॉग बच्चों डिफाइंड होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि लॉग का जो बेस है वो तो यहाँ पर ई होगा या टेन होगा, अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो ई होगा, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में लॉग का बेस ई होता है और ई की वैल्यू दो से तीन के बीच में लाई करती है, यानी बेस तो डिफाइंड है क्योंकि वो जीरो से बड़ा है और वन भी नहीं है। लेकिन 1 प्लस x के बारे में डिफाइन करना पड़ेगा, तो बच्चों इसकी आप पहले डोमेन निकाल लीजिए और इसकी डोमेन निकाल लीजिए, ठीक है। यानी कि आप कहेंगे सर लॉग तभी डिफाइन होगा जब 1 प्लस x क्या हो पॉजिटिव, यानी x आपका क्या होना चाहिए ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए, ठीक है, यानी आपका क्या होना चाहिए x माइनस वन से इंफिनिटी होना चाहिए तभी लॉग डिफाइंड होगा। यानी आप अपना जो भी आंसर निकाले वो माइनस वन से इंफिनिटी के बीच में निकाले एक्सेप्ट, और क्या नहीं होना चाहिए उसमें, एक्सेप्ट माइनस टू नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि माइनस टू अगर आपने ले लिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि माइनस वन से इंफिनिटी के बीच में आपको आंसर निकालना है और जो भी आंसर निकाले उसमें माइनस टू नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आपको जो आंसर निकालना है वो किस इंटरवल में निकालना है, माइनस वन से इंफिनिटी के इंटरवल में आपको आंसर निकालना है और माइनस टू होना नहीं चाहिए। तो ये बात आप अपनी क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों आप इस क्वेश्चन को करिए और आंसर बताइए कि माइनस वन से इंफिनिटी के बीच में ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि आपको इसी इंटरवल में बताना होगा कब फंक्शन इंक्रीजिंग है कब फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। यही फंक्शन की क्या है डोमेन है, क्या है ये डोमेन। तो आप जो भी बताते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वो फंक्शन की डोमेन में ही बताते हैं। तो बच्चों अब आपके पास ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अब बताइए कि ये कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा, पूरा जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे करिए और माइनस वन से इंफिनिटी के बीच में बताइए कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करिए, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो आएगा, देखिए बच्चों लॉग टी का लॉग यू का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन यू, ठीक। और बच्चों इसमें तो चेन रूल लगेगा, मतलब जिसको कहते हैं हम लोग क्वेश्चन रूल लगेगा डिवाइड वाला। तो बच्चों जब आप इसको लगाएंगे तो ये आएगा फोर अपॉन टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से एफ डैश एक्स आ गया, आपको क्लियर कट विजिबल है स्क्रीन पे, आया है वन प्लस एक्स इंटू टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वन प्लस एक्स। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉल्व करिए, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स, या और फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो आप क्या लिखते हैं कि जो आपका एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब बच्चों इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो अगर आप देखेंगे तो दो नंबर्स तो परफेक्ट स्क्वायर हैं और परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी डालेगी तो भी वो पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि वो स्क्वायर है। तो आपके पास इनइक्वालिटी जो बची है वो सिर्फ और सिर्फ ये है,
और किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आपको पता है, फैक्टर को जीरो करते हैं, जीरो करने पर नंबर लाइन पर अरेंज करते हैं, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है। यानी ये क्या आंसर आया है, ये आंसर आया माइनस वन से इंफिनिटी, क्योंकि जीरो का मतलब, ग्रेटर देन जीरो का मतलब आपको प्लस वाला रीजन लेना है, माइनस वन से इंफिनिटी। तो बच्चों ये माइनस वन से इंफिनिटी के बीच में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर बच्चों अगर आप ध्यान दें कि माइनस वन से इंफिनिटी के बीच में जो एक्स है वो जीरो भी वैल्यू लेता है अपनी, भाई आपको माइनस टू तो लेना नहीं है, माइनस टू तो इस इंटरवल में आ नहीं रहा है, ध्यान दीजिए माइनस टू तो लेना नहीं है, वो इस इंटरवल में आ नहीं रहा है, क्योंकि माइनस टू आता तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता, माइनस वन भी नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए ये आपका फंक्शन है जिसको आपने पॉजिटिव दिया है, माइनस टू भी नहीं आ रहा, माइनस टू आता तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता, फंक्शन इनडिफाइंड हो जाता, माइनस वन भी नहीं आ रहा क्योंकि माइनस वन पे हमने ओपन ब्रैकेट ले रखा है, अगर माइनस वन पे हम क्लोज ब्रैकेट कर देंगे तो ये फिर से डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और ये फंक्शन न्यूमिनेटर में भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमिनेटर जीरो होगा तो फंक्शन जीरो के बराबर हो जाएगा, और फंक्शन जीरो के बराबर हो गया तो हमें जीरो चाहिए नहीं, हमें तो जीरो से बड़ा चाहिए। तो ये फंक्शन जीरो के बराबर कब हो सकता है, जब एक्स जीरो हो, क्योंकि एक्स अगर जीरो डालेंगे तो न्यूमिनेटर जीरो हो जाएगा और जीरो हमें चाहिए नहीं, जीरो से बड़ा चाहिए। तो आप कहेंगे सर इसमें से जीरो को एक्सक्लूड कर लो, इसमें से जीरो को एक्सक्लूड कर लो क्योंकि माइनस वन से इंफिनिटी के बीच में जीरो आता है। और सर या तो आप इसको ऐसे लिख लो, माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो से इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते, दो तरीके आंसर लिखने के, दोनों केस में ही जीरो एक्सक्लूडेड है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से किया गया। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से किया जाना है। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन के मैंने फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन 4x² + 1/x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहां सबसे पहले आपको समझना है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग, ये बच्चों बात आपको क्लियर कर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शन की डोमेन आपको क्लियर कट नजर आ रही है कि फंक्शन की डोमेन है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, इसलिए सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो इसी में ही आपको फंक्शन की डोमेन निकालनी है। स्टार्ट करिए, फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन है आपका 4x² + 1/x, और इसको डिफरेंशिएट आप करना बहुत आसान तरीके से जानते हैं, तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए पहले। तो बच्चों जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पता है क्या आएगा, 4x², इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, ये हो जाएगा 4x² / 1/x, तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4 - 1/x², यानी ओवरऑल आपका डिफरेंशिएशन आया है 4x² - 1/x². और फंक्शन बच्चों अगर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि जो आपका f डैश x है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 4x² - 1/x² > 0 होना चाहिए। अब बच्चों देखो डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि वो एक्स स्क्वायर है, तो उसको तो आप हटा दीजिए क्योंकि जो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं वो इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड हो जाते हैं, और न्यूमिनेटर को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब आप यहां से एक्स का इंटरवल निकाल दीजिए, दोनों फैक्टर्स को जीरो करिए, कैसे बताया था, प्लस माइनस प्लस, यानी यहां पे आपका जो इंटरवल आया है वो पॉजिटिव इंटरवल देखना है, यानी माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ यूनियन हाफ से इंफिनिटी। तो बच्चों इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और बच्चों अगर आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखना है, पहले तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला फंक्शन देख लो कि आपने उसकी डोमेन में निकाला है कि नहीं, मतलब चेक कर लो, ऐसा तो नहीं आपने एक्स जीरो ले लिया उसमें, आप गलती से भी एक्स जीरो मत ले लीजिएगा वरना फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, चाहे वो ये वाला फंक्शन हो चाहे वो ओरिजिनल एफ एक्स वाला फंक्शन हो, दोनों अनडिफाइंड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप एक्स इक्वल टू जीरो मत लीजिएगा गलती से भी, तो वो उसमें आ भी नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब बच्चों आप जानते हैं कि अगर फंक्शन आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना हो तो आप कहते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, होना चाहिए। तो बच्चों जब आप एफ डैश एक्स को लेस देन जीरो करेंगे तो उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपका लेस देन जीरो। तो बच्चों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, उसको आप छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। और बच्चों अगर आप इसको पहले की तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, यानी अगर ऊपर आप नंबर लाइन से इंटरवल देखेंगे तो इंटरवल कौन सा है, उसमें इंटरवल है आपका माइनस हाफ से हाफ में, ये नेगेटिव है। लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा माइनस हाफ से हाफ के बीच में जीरो आ जाता है, इसलिए आप जीरो तो ले ही नहीं सकते, इसलिए इसको आप एक्सक्लूड कर लीजिए। ये आप अपना आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस हाफ से जीरो यूनियन जीरो से हाफ, इस तरह से भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये बात आप सबको क्लियर हो जानी चाहिए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ लें, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए।